हरियाणा महाराष्ट्र सहित उपचुनाव के नतीजों से अब पर्दा जो है वो उठने लगा है। महाराष्ट्र के चुनाव में अब कमल खिलना तय माना जा रहा है, लेकिन हरियाणा में बीजेपी के खेमे को बड़ा झटका लगा है। हरियाणा में 75 पार की उम्मीदें खत्म होती नजर आ रही है। बेशक ऐसे में कहा जा सकता है कि कहीं खुशी है तो कहीं गम। नमस्कार, आप देख रहे हैं R9 टीवी, मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। यूं तो महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है, लेकिन शिवसेना ने अब 50-50 के फॉर्मूले पर अमल करने की मांग जो है वो उठा दी है। यानी कि जीत के बाद भी बीजेपी का पेच जो है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर है राहें जो है वो आसान नहीं होने वाली हैं। और दूसरी तरफ हरियाणा की अगर हम बात करें तो बीजेपी की उम्मीदों को झटका लगा है। एक तरफ हरियाणा में सियासी फिजा बदलते हुए नजर आ रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी के कई मंत्रियों की हार ने बीजेपी के बुद्धिजीवियों की पेशानियों पर अब बल डाल दिया है। जनादेश वक्त के साथ सामने आ रहा है। इस जनादेश के मायने क्या कुछ है, इस पर आज की हमारी बहस जो है वो रहने वाली है। हमारे साथ सभी पार्टियों के तमाम मेहमान जो है वो जुड़ेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि कहां कितनी खुशी है और कहां कितना गम है। तो हरियाणा में मनोहर सरकार के मंत्रियों ने लुटिया जो है वो डुबा दी है। वहीं किंग मेकर बनकर दुष्यंत चौटाला जो है वो उभर कर सामने आए हैं। अपनी विरासत को दोबारा खड़ी करने में बेशक कांग्रेस ने कामयाबी हासिल की है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। सत्ता के शिखर पर बैठी बीजेपी को हरियाणा में निराशा हाथ लगी है। ना तो 75 पार का नारा काम आया और ना ही सरकार के दावे और वादों का असर दिखाई दिया, क्योंकि नतीजे तो यही कह रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस अपनी खोई हुई विरासत वापस पाने में कामयाब होती दिखाई दे रही है। कांग्रेस को पूर्ण बहुमत तो नहीं मिला, लेकिन संजीवनी वहीं पूरे विश्वास के साथ जीत की हुंकार भरने वाली बीजेपी धराशायी होती नजर आ रही है। सत्ता की इस लड़ाई में कांग्रेस और बीजेपी का कड़ा मुकाबला है। दोनों पार्टियों में किसी को बहुमत तो नहीं मिला, लेकिन सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। ऐसे में जेजेपी किंग मेकर की भूमिका में उभर रही है। सबकी नजर दुष्यंत चौटाला पर है। नई पार्टी जेजेपी बनाकर हरियाणा के रण में उतरे दुष्यंत चौटाला को राजनीति विरासत में मिली है और चुनाव में भी इसकी झलक देखने को मिली। अब हरियाणा का ताज किसके सिर पर होगा, ये अब दुष्यंत चौटाला पर निर्भर कर रहा है। हर किसी के जहन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर कांग्रेस के पक्ष में ये उभार कैसे संभव हुआ और कौन से फैक्टर्स इसके लिए जिम्मेदार हैं। दरअसल 2014 में हरियाणा में मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकार बनने के साथ ही राज्य सरकार से जाटों की नाराजगी शुरू हो गई थी। राज्य की राजनीति में परंपरागत रूप से जाटों का बोलबाला रहा है और ऐसे में किसी पंजाबी को बीजेपी की तरफ से सीएम बनाना उन्हें नागवार गुजरा। इतना ही नहीं, बीजेपी ने 2019 के विधानसभा चुनाव के लिए टिकट देने की प्रक्रिया में भी जाटों को नाराज कर दिया था। बहरहाल अब देखना होगा कि जेजेपी किसका साथ देगी और हरियाणा का ताज किसके सिर पर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी। तो तस्वीर जो है वो धीरे धीरे अब साफ होने लगी है और कमोबेश स्थिति यही रहने वाली है। महाराष्ट्र में कह सकते हैं कि कमल ने दोबारा से बाजी मार ली है, लेकिन पेच अभी भी फंसा हुआ है, क्योंकि कुछ देर पहले ही उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो तेवर उद्धव ठाकरे के नजर आए उसने कहीं ना कहीं बीजेपी के पेशानी पर बल जरूर डाल दिया। 50-50 फॉर्मूला, याद होगा लोकसभा में ये बात उठी थी और फिर आज दोहराया है उद्धव ठाकरे ने। सीएम कैंडिडेट पर भी कह दिया है कि इस पर भी बात होगी। तो जो बात हो रही थी कि देवेंद्र फडणवीस ही चेहरा होंगे, अब यहां पे शिवसेना जो है वो बार्गेन करने वाली है। हरियाणा की बात कर ले तो 75 पार
अभी तो यहाँ पे स्थिति ही दूसरी हो गई है कि अब सीधे बुला लिए गए हैं, मनोहर लाल को बुलाया गया, अमित शाह ने बुलाया है, मंत्री जो है वो हार रहे हैं। तो हरियाणा में यहाँ कमल की स्थिति जो है वो बिल्कुल, चाबी जो है वो चली गई है जेजेपी के हाथ में। वो पार्टी जो 11 महीने पहले आई है अस्तित्व में, उसके हाथ में आज चाबी है। और यहाँ दुष्यंत चौटाला की राजनीति देखिए कि वो भी साफ नहीं कर रहे हैं। कई खबरें आई कि कांग्रेस ने ऑफर कर दिया मुख्यमंत्री बन जाइए, लेकिन वो अभी स्थिति साफ नहीं कर रहे। तमाम जो हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं उनसे आप सभी का इंट्रोडक्शन करवा दूं। हमारे साथ दो पॉलिटिकल एनालिस्ट एके मिश्रा और संजीव कौशिक इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। जितेंद्र चौधरी कांग्रेस के नेता इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। धर्मवीर चौधरी प्रवक्ता बीएसपी के इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अरशद आबिद सपा के नेता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और बीजेपी के प्रवक्ता गुलरेज शेख भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो गुलरेज शेख आपके पास ही आना चाहूंगी। 75 पार क्या हुआ सर? हरियाणा तो हरियाणा, बीजेपी की पेच जो है अब महाराष्ट्र में भी फंस गई। उद्धव ठाकरे रंग दिखा रहे हैं। नहीं, इलेक्ट्रोनल इंजीनियरिंग है और इंजीनियरिंग में कहीं ना कहीं विपक्षियों ने हमसे अधिक स्कोर किया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और हम इस पर मंथन भी करेंगे, चिंतन भी करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि हम अपने राष्ट्रवाद और विकास के जो नीचे जो फोका फॉर्मूला थे, जो हमारा विचार है, उसको नीचे तक परकोलेट नहीं कर पाए। और जो विभाजनकारी तत्व है समाज के, जो जातिवादी तत्व है, जातिवाद के फॉर्मूले को परकोलेट कर लिए और जीत गए। लेकिन ये जी ठीक है, हार और जीत तो लोकतंत्र में जुड़वा भाई होते हैं और हम हारे तो कहीं भी नहीं है। हम दोनों जगह अपनी सरकारें बना रहे हैं, लेकिन जो हमारी अपेक्षा थी उस अनुरूप रिजल्ट नहीं आया है। उस पर मंथन होगा, चिंतन होगा, लेकिन हमको एक बात का सुर बदले हुए हैं गुलरेज शेख साहब, आज सुर बदले हुए हैं आपके। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे सर, हमने ही आपसे बातचीत की थी, जो जीत का दावा ठोक रहे थे, जो राष्ट्रीय मुद्दे को आप इनकैश कराने की बात कह रहे थे, और पानी पीपी के कोसना कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर क्यों नहीं, विपक्ष को क्यों तिलमिलाहट हो रही है, आज बिल्कुल सुर बदले हुए हैं सर। तो मैं भी तो अभी यही कह रहा हूँ, मैं यही बिल्कुल भी नहीं मैम, मैं यही तो कह रहा हूँ कि हमारे राष्ट्रवाद और विकास के जो दो मुद्दे हैं उसको हम इतना नीचे तक परकोलेट नहीं कर पाए। उसमें क्या कमी रही परकोलेट करने में, इस पर हमको विचार करना है। लेकिन एक बात खुशी है, हरियाणा ने नकार दिया सर। आप अगर ये बात कह रहे हैं तो सवाल ये उठता है कि राष्ट्रवाद का मुद्दा आप कह रहे हैं कि जमीनी स्तर तक आप नहीं ले जा सके, लेकिन हरियाणा का सर रिजल्ट अगर आप देखिए, जो तस्वीर सामने आ रही है, पूरी तस्वीर तो फिलहाल जो है खुलकर आ जाएगी, जब तब पर इस पर अच्छे से चर्चा कर लेंगे, लेकिन अभी भी जो तस्वीर है वो लगभग फाइनल मानी जा रही है। तो अगर आप हरियाणा की तस्वीर देखिए तो ग्रामीण क्षेत्र और जाटलैंड इन्होंने नकार दिया है। अब यहाँ आप कहेंगे कि राष्ट्रवाद का मुद्दा नहीं चला, तो समझना चाहिए ना सर कि कहां क्या स्ट्रेटजी काम आई। आपको जो लोग मैं वही कह रहा हूं मैम कि हमने किसी प्रकार की जातिवादी राजनीति नहीं करी और ना हम आगे भी करेंगे। मैं पुनः यही बोल रहा हूं, देखिए चाहे मनोहर लाल खट्टर हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, और इनके पहले आता हूं मैं शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में हो, ये सभी लोग उस कम्युनिटी के हैं जिसका वोट प्रतिशत उस जाति का इतना नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जात के आधार पर नहीं, राष्ट्र के आधार पर राजनीति करती है, वो करती रहेगी। और हमको इस बात का दुख नहीं, हमको दुख इस बात का है कि ऐसा क्या हुआ कि हमारे कार्यकर्ता नीचे तक राष्ट्रवाद और विकास का संदेश नहीं ले जा पाए, उसका हम चिंतन करेंगे। चलिए चिंतन करने की, दोनों जगह हमारी बन रही है अभी भी, चिंतन करने की बात अभी। चलिए, मतलब कुछ साठ गांठ हो गया क्या सर, कहना चाहेंगे कुछ? हरियाणा में भी आप कह रहे हैं सरकार हमारी बन रही है, आंकड़े ही नहीं है अभी आपके पक्ष में। नहीं, आप मुझे बातचीत हो गई है, कांग्रेस ने तो ऑफर किया था सर, खबर थी मीडिया में कि कांग्रेस ने दुष्यंत चौटाला को ऑफर किया, तो आप बता दीजिए अंदर खाने बीजेपी की भी बातचीत चल रही है क्या? देखिए मैं जितनी बार दुष्यंत चौटाला से मिला हूँ, और आपने भी उनको स्टडी किया होगा, आप एक बड़ी जर्नलिस्ट हैं, तो
तो आपने भी स्टडी किया होगा, वे काफी इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं और इंटेलिजेंट व्यक्ति होने के नाते वे अपने राजनीतिक भविष्य को आरंभ में ही खराब नहीं करेंगे, जैसा कि अखिलेश यादव ने किया यूपी के लड़के जब साथ आए थे तब, या फिर लालू प्रसाद यादव के बेटे ने राहुल गांधी के साथ गले मिलकर किया। सर आपकी ये जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस ना सर कुछ और इशारा कर रहे हैं। यहाँ जितेंद्र जी भी हंस रहे हैं, यहाँ जितेंद्र जी भी हंस रहे हैं जी। समाजवादी पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में मेट्रो चलाकर दिखाई और हमने देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे बनाया। अरे अर्षद जी आप पर भी अर्षद जी आप आरोप लगा रहे हैं अर्षद जी। अरे नहीं नहीं वो अरे अर्षद जी गुलरेज जी ने जिक्र किया। अरे अर्षद जी एक मिनट डिबेट को किसी और दिशा में मत छोड़िए। अर्षद जी प्लीज मैं आऊंगी आप तक। गुलरेज शेख जो कह रहे हैं, जितेंद्र चौधरी यहाँ हंस रहे थे, ये जिस तरह की बात कह रहे हैं कि क्लेवर आदमी है, दुष्यंत चौटाला को आपने भी स्टडी किया होगा, ये किस तरह, एक तरफ तो कांग्रेस ऑफर कर रही है सर, पहले भी इस पर भी कितनी सच्चाई है, क्योंकि इंटेलिजेंट है, मतलब इंटेलिजेंट है तो वो उन्हें अपना भविष्य नजर आ रहा। लोग जो कह रहे हैं वो खुलकर तो कह रहे हैं, ये लोग तो जो इनके हमारे इनकी पार्टी के जो देश के गृह मंत्री हैं उन्होंने तो आईटीबीपी की कैंसिल करने के बाद मीटिंग बुला लिया, खट्टर साहब को बुला लिया, अब सेटिंग करेंगे रात में, और कोई काम नहीं है। गोवा में इसी तरीके की सेटिंग करी थी, मणिपुर में भी ये सेटिंग करी आप थी। सेटिंग नहीं करते सर? नहीं सर, ये नहीं हम एक कांग्रेस सेटिंग में नहीं करते। आपने तुरंत तो ऑफर कर दिया मुख्यमंत्री का सीट ले लो, हमने खुद का करा दो। नहीं तो ये क्या है गोवा में क्या ये क्या है? आपने तो इंतजार भी नहीं किया कि तस्वीर साफ हो जाए, आपने तो इंतजार भी नहीं किया, किंग मेकर बनते देखा तो आपने ऑफर कर दिया। एके मिश्रा जी क्या लग रहा है? एके मिश्रा जी नहीं, ये जिस तरह से पहले देखिए वोटिंग के पहले एक बात बोलूं मैं चौधरी साहब को। नहीं मैडम, चौधरी साहब को एक बात बोलूं जी, बोलिए। देखिए थोड़ा इनका प्रदर्शन सुधरा है, उसका एक कारण यह भी है कि राहुल तुम अपनी इज्जत नहीं बचा पाए, हमारा कोई बड़ा नेता वहां ज्यादा रैलियां नहीं की है, आपके तमाम प्रधानमंत्री अब ये दोनों पार्टियों की बात आप सुन रहे हैं। जब हम इनसे कहते थे कि आपके कोई बड़े लीडर हरियाणा में चुनाव प्रचार नहीं करते, दो प्रचार केवल राहुल गांधी ने किया, तब यही बैठ के कांग्रेस के प्रवक्ता कहते थे कि नहीं हम वो मुद्दे उठा चुके हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं। आज जब आंकड़े कुछ और बता रहे हैं तब ये कह रहे हैं कि हमारे किसी बड़े लीडर ने, ये तो ये सर अरे सर अरे गुलरेज जी सीख तो आपको भी लेने की जरूरत है और चिंतन करने की नहीं चिंता की जरूरत है। एक मिश्रा बेरोजगार शिक्षा ये धारा 370 पे लौटे रहे सारी पार्टियां सारे नेता सारी पार्टियां और उनके जो भी नेता स्ट्रेटजिस्ट थे सब बड़े इंटेलिजेंट थे और हैं और रहेंगे भी, लेकिन जनता के सामने सबकी इंटेलिजेंसिया फेल हो गई। ये सब इतने ही इंटेलिजेंट थे तो क्यों नहीं कांग्रेस 50-55 ले आई, बीजेपी पिछली साल के पिछली बार का परफॉर्मेंस को मेंटेन कर पाई। सवाल यह है कि सब लोग अपना अपना बेहतर करने की कोशिश में है, पेच फंसा हुआ है, 4-6 दिन और लगेंगे, चाहे वो जेजेपी हो चाहे बीजेपी हो, जिनको बेहतर मिलेगा। कांग्रेस ने अपना ऑफर दे दिया कि भाई आप हमारे साथ मिल जाइए, लेकिन अभी भी सारी चीज़ों को देख करके मैं ये बोलूँगा कि सरकार ज्यादातर जो सरकार बनाने के जो चांसेस हैं वो चांसेस हैं बीजेपी के हैं, क्योंकि जेजेपी उसके पीछे की वजह यह है कि देखिए सबसे पहले वजह तो यह है कि सबसे बड़ी पार्टी है। हाँ देखिए पास्ट में किया हुआ मेहनत कहाँ काम आता है, राज्यपाल इनके होंगे तो राज्यपाल तो बोलेंगे ही कि भाई जो सबसे बड़ी पार्टी है हम उसको बुला रहे हैं, नेचुरल बेनिफिट ये मिल गया। अब ये बोलेंगे कि हम 20 दिन में या 10 दिन में अपना बहुमत साबित करेंगे, तो वो उस पीरियड में बहुत सारे लोग जो है बट नेचुरल वे में जो है उनका झुकाव हो जाता है कि भाई ये सरकार बनाने जा रहे हैं। हर पार्टी को अपना पॉलिटिकल बेनिफिट देखना है, ऐसा नहीं है कि कोई त्याग करके बैठी है। शिवसेना का एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे ही उनकी सीटें वो कंफर्म हुई कि पोजीशन में है, कल तक जो मतलब बोल रहे थे कि हमें आधी सीट दे दो और उन्होंने नहीं दिया, आज शिवसेना आंखें तरेरने लगी है कि हम कोई कंप्रोमाइज नहीं, मुख्यमंत्री तो हमारा ही होगा। शाम को 6 बजे 7 बजे 10 बजे तक इलेक्शन कमीशन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फाइनल कर देगा ना, तो असली चेहरे सारी पार्टियों के तब आएंगे, उसके बाद जो इनके बयान आएंगे, जो नया दौर शुरू होगा। एक चुनाव होना अभी और बाकी है, ये तो जनता का चुनाव था, राजनेताओं का अंदर का जो चुनाव होना है
उसी के लिए आप देखिए सारे बड़े बड़े नेता अपनी रैलियां ये सारी चीजें मीटिंग कैंसिल करके पहुंच गए हैं, एक दूसरे से मिलने जुलने में फोन करने में लग गए हैं किसी भी पार्टी के हो। तो जरा इलेक्शन कमीशन का फाइनल देख लेते हैं फिर इनके असली चेहरे आएंगे। लेकिन हरियाणा में तो बीजेपी जिस तरह से देखे कि मिनिस्टर्स जो हारे हैं, बड़े बड़े नाम जो है वो हारे हैं, तो यहाँ तो बीजेपी को सोचना होगा। संजीव कौशिक, आप कितना इत्तफाक रहते हैं एके मिश्रा जी ने जो बात कही, यहाँ अगर हरियाणा की बात कर ले तो यहाँ ग्रामीण क्षेत्र और जाट लैंड जो था उसने नकारा है बीजेपी को, और पहले भी बीजेपी ने सारे सिटिंग एमएलए को टिकट नहीं दिए थे, तो जो गणित लगाया गया था, क्योंकि अभी भी मिनिस्टर्स जो हैं वो अगर हार जाते हैं तो वो गणित काम नहीं आया, वो स्ट्रेटेजी काम नहीं आई। संजीव कौशिक, देखिए मेरा मानना यह है कि आप विकास को गौण करके राष्ट्रवाद की लहर पर केवल चुनाव नहीं जीत सकते। हाँ, भारत की जनता ये बात समझा चुकी है, पार्टियों को अब ये समझ लेने की जरूरत है। लगातार दोनों स्टेट में कोशिश ये रही भारतीय जनता पार्टी की कि विकास को थोड़ा साइड करके राष्ट्रवाद की एक बार फिर लहर, चूँकि लोकसभा में ये बड़ा जांचा परखा और कारगर हथियार इन लोगों को लगा, उसी के बदौलत ये चाह रहे थे, जिसका नतीजा हुआ कि ठीक है राष्ट्रवाद भी हमें चाहिए, राष्ट्र भी चाहिए हमें, और राष्ट्र के लिए झंडा लेके भी दौड़ेंगे, लेकिन कम से कम पेट में अन्न हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बेरोजगारी खत्म हो, गिरती अर्थव्यवस्था पर बात करी जाए, ये बात समझ नहीं पाए। और इनको मुंह की खानी पड़ती हरियाणा में यदि कांग्रेस पार्टी अपने अंदरूनी कलह की शिकार नहीं बनती। यदि कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ लड़ती तो आज जो आपको ये अटका हुआ पेच दिखाई दे रहा है वहां पे भारतीय जनता पार्टी साफ होती। और खुद कह भी रहे हैं जितेंद्र जी कि हमारे कोई बड़े लीडर ने वहां ज्यादा रैलियां नहीं की। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री ने 9 रैलियां की है, हरियाणा में 7 रैलियां की है, इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? और आप कहते हैं कि कोई हमारा बड़ा लीडर रैली ही नहीं कर पाया। लगातार हर एक क्षेत्र में ये कांग्रेस के हैं सर, कांग्रेस जितेंद्र जी तो कांग्रेस के हैं, और राहुल गांधी ने 2 रैलियां की हरियाणा में। लेकिन आप तो कह रहे थे कि हम जो है जनता के मुद्दे उन तक ले जा रहे हैं। यूपी पे अगर बात करें संजीव जी, तो जिस तरह से यहाँ की तस्वीर देख रहे हो, सेमीफाइनल मैच माना जा रहा था कि ये 2022 के पहले एक तरह से सेमीफाइनल है, उसमें भी जो बीजेपी की हालत है वो कह ले, कहीं ना कहीं सपा जो लग रहा था एक मुलायम सिंह यादव की जो स्थिति है, स्वास्थ्य है, उसे देखते हुए कि सपा का पूरा दारोमदार जो है अखिलेश यादव के ऊपर है, उन्हें भी ये अस्तित्व की लड़ाई भी कह सकते हैं, हालांकि मानेंगे नहीं सपा के लीडर, लेकिन उन्हें भी ये दिखाना था ये उपचुनाव जो है उससे कि कैसे कमबैक किया जा सकता है, तो सपा के लिए यहाँ कह सकते हैं कि थोड़ी चीज़ अच्छी है। कांग्रेस लीड पर चल रही थी फिलहाल, लेकिन अब कांग्रेस शायद गंगोह में नहीं है। क्या अगर यूपी उपचुनाव की बात कर ले तो यहाँ पे भी एक मैसेज जाता है सीधे तौर पे बीजेपी को, जितने जो पिछले दिनों में देख ले कांड हुए हैं, कमलेश तिवारी हत्याकांड हो, चिन्मयानंद का केस हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट को खुद कहना पड़ता है क्या जंगल राज है, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये सब नुकसान उठाना पड़ रहा है बीजेपी को? कमलेश तिवारी हत्याकांड जो हुआ था, जितने उसके वजह से ये बैकफुट पे आ गए थे, यदि इलेक्शन के एक दिन पहले यदि एक और गोला पाकिस्तान की तरफ नहीं फेंका जाता तो शायद और कहानी दूसरी होती। आप इस चीज को समझें, मैं बार बार कहना यही चाह रहा हूँ कि देश के मूलभूत हरियाणा के चुनावी भाषण में कहते हैं कि यदि आप बीजेपी की बात कर रहे हैं आप सरकार मुद्दे पे बात कर रहे हैं आपने केवल और केवल देश की जनता को उलझाने का काम किया और जनता ये बात इस बार समझ चुकी है। हर बार झांसे में नहीं आती है, मैंने कहा कि राष्ट्रवाद केवल किसी की कि सेना ने जो कार्रवाई की उसके बाद सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो क्या आपका ये कहना है कि भारत की सेना जो है चुनाव के एक पहले, अरे साहब सेना के कार्रवाई का श्रेय तो पिछले इलेक्शन में आपने लिया है, पीछे उनकी तस्वीर लगाई है आपने, आगे से चुनाव में जाके उनके बदौलत आपने वोट मांगे हैं। आप बताइए कि राष्ट्रवाद के नाम पे आपने वोट वसूली की है या नहीं की है? आपने वसूली की है, मैं वसूली करता हूँ। राष्ट्रवाद के नाम पे आप वोट की वसूली करते हैं, लोगों ने समझ लिया है यही कारण जो आप लोगों की स्ट्रेटजी रही सर कि राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाएंगे और हर राज्य को हम साथ लेंगे, वो तो कहीं ना कहीं फेल होता नजर आ रहा है। नाम पे वोट मिलना अगर जनता देती है तो वसूली नहीं, आप अपने शब्द वापस लीजिए, वो प्रसाद होता है। बिल्कुल नहीं, प्रसाद होता है, समझे नहीं? कोई भी देश का आदमी अगर राष्ट्रवाद का गुणगान करता है तो उसमें बुराई क्या है? उसके बदले में वोट मांगेंगे आप? उसके बदले में वोट मांगेंगे? हिंदुस्तान आपका है केवल, मेरा नहीं है। अगर कोई उसके बदले में वोट मांगेंगे आप? मेरी देश भक्ति आप तय करेंगे? आप
क्या है कांग्रेस और बीजेपी ने क्या किया, क्या वो जवाब न दे? अरे आप क्या थे, क्या किया भाई? ये चीज हुई थी, 75 पार का नारा लगा रहे थे, क्या किया लोगों ने? अरे कौन हारे, कौन जीते, वो छोड़िए। अरे यही मुद्दा है, यही मुद्दा है, इसी पे बात कर रहे हैं। अरे राष्ट्रवाद की चर्चा करते हैं, उसके कारण किसी को वोट मिल रहा है, किसी का कुछ हो जाए, तो यहाँ बैठे क्यों हैं? बात यहाँ राष्ट्रवाद की हो रही है, उसी के लिए बैठे हैं, उसी बात कर रहे हैं, राष्ट्रवाद को मत करने के लिए, राष्ट्रवाद की संकल्पना को गलत साबित करने के लिए। अरे गुलरेन शेख, क्या आप मानते हैं कि क्या आप मानते हैं गुलरेन शेख, संजीव जी एक मिनट, एक मिनट, संजीव जी सरकार नहीं बन रही है, आप उछलिए मत बिल्ली की तरह। अरे सरकार एक मिनट जी, गुलरेन शेख, आप गुलरेन शेख, क्या आप मानते हैं कि राज्यों पे मुद्दे जो है वो थोपे गए और ये कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी जो है वो फेल हुई है? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, अच्छा काम कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, संजीव जी आप बोल लेने दीजिए, आप बोल लेने दीजिए, आप किसी को क्रिटिसाइज करिए उनके कामों को, मुझे मतलब नहीं है। राष्ट्रवाद के ऊपर आप उसको किसी और ने झंडा दिया है, आप हमें सर्टिफिकेट देंगे? आपको नहीं बोलना है राष्ट्रवाद के ऊपर, आप मत बोलिए, लेकिन राष्ट्रवाद को हमें सर्टिफिकेट देंगे राष्ट्रवाद के नाम पे? दूसरा कोई राष्ट्रवाद के ऊपर बोले तो आप लांछन क्यों लगा रहे हैं? राष्ट्रवाद के बारे में बात करना मिश्रा जी और संजीव कौशिक जी, यहाँ मुद्दा राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद पे बात करने पर किसी को एतराज नहीं है, लेकिन उनके हारने का कारण और है। मिश्रा जी, एके मिश्रा जी, मैं यही पूछ रही हूँ कि क्या गुलरेन शेख, सवाल आपसे ये है कि आपने जो मुद्दे उठाए, हर पार्टी की अपनी स्ट्रैटेजी होती है सर, और गलत नहीं होती है, आपने शायद मूड यही भापा कि ये इन मुद्दों पर हम राज्यों को साध लेंगे, लेकिन जिस तरह से नतीजे आए हैं महाराष्ट्र में, हालांकि कमल खिल रहा है लेकिन नतीजे देखिए सर, तो आपको समझ में आएगा कि कहां कहां पार्टी खिसकी है। वैसे ही हरियाणा में भी, तो बीजेपी, अगर हम यूपी की बात कर ले सर, तो यूपी में भी आप नीचे आए हैं, आपकी सीट थी लेकिन आप फिर भी नीचे आए हैं, तो क्या आप मानेंगे कि जब देश का चुनाव होता है, लोकसभा इलेक्शन, तब तस्वीर अलग होती है, राज्यों के चुनाव में मुद्दे अलग होते हैं, यहां कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो बैकफुट पर है? आप एक ही तीर से सभी को साधने की कोशिश कर रहे थे, गुलरेन शेख? लेट मी स्पीक जब लोकसभा का चुनाव होता है तो कोई भी जगह पर हो, स्थानीय मुद्दे भी होते हैं और राष्ट्रीय मुद्दे भी होते हैं, वैसे ही जब राज्यों के चुनाव होते हैं तो भी स्थानीय मुद्दे भी होंगे और राष्ट्रीय मुद्दे भी होंगे। नहीं होते, भारत जो परिभाषित कर रहे हैं स्टेट से, जब राज्य आपने कहां उठाया सर, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स से आपने कहां उठाया, आपने उठाया क्या, आपने उठाया, आपने यूपी में उठाया? आपने तो उठाया ही नहीं, बीजेपी ने तो लोकल मुद्दे उठाए ही नहीं। यूपी की बात कर लूं सर, अरशद आबिद यहां बैठे हैं, अरशद जी क्या लगता है, जिस तरह से रामपुर सीट एक कहते हैं नाक की लड़ाई हो गई थी, बीजेपी ने पूरी कोशिश की कि सेंध लगा दे, आजम खान जिस तरीके से उनका किला है वो ढाने की कोशिश की गई, लेकिन किला तो ढहा नहीं, अब क्या मानते हैं इसे? देखिए अभी भाजपा के नेता बोल रहे हैं कि अभी अखिलेश जी को लेकर उन्होंने कमेंट किया है, गलत बात है। आज की तारीख में अगर हमारे देश में कोई सबसे काबिल नेता हैं, पढ़े लिखे और ईमानदार, तो अखिलेश यादव जी हैं। और रही बात हार जीत की, तो डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेसी में हार जीत होती रहती है। अच्छा, अखिलेश जी सुनिए, अरे सुनिए, आप सबसे बड़े चोर तो आप हैं, आपसे बड़ा चोर कोई है सर? टोटी कहाँ है? टोटी कहाँ, पूछे अपने आरएसएस से, शुक्ला मोहन बैठे हुए हैं, आइए से पूछे, हम देने सारी टोटी, अखिलेश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, आपसे इल्जाम लगाना जानते हैं और झूठ बोलना जानते हैं, जुमलेबाज आप थे, आप हैं और आप रहेंगे। टोटी जो टोटी की बात करते हो, बीजेपी ने अपना ऑफिस तोड़कर टुकड़ा कर लिया है, जहाँ बीजेपी का ऑफिस है लखनऊ में, आपके लिए कितना छोटा ऑफिस था, लेकिन जो वहाँ कांग्रेस की बहुत बड़ी कोटी थी, एक नेता की जो सीएम रहे, आपने पूरी कोटी कब्जा कर अपना जो ऑफिस बना दिया। आप बताएं मैंने कुछ बोला क्या? कोठी पे चले गए सर, गठबंधन सुनिए, विकास कैसा होता है पूछे उत्तर प्रदेश की जनता से, वो अलग बात है, सिर्फ प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को बहुमत नहीं दिया और आपको बहुमत देने के बाद भी आप देखिए, हम तो समझ रहे थे कि आज आप कुछ चिंतन के मूड में बैठे होंगे, लेकिन नहीं, आपके फेवर में नहीं है, पार्टी की देन है। आप तो साहब यहाँ पे खिला के हंस रहे हैं जैसे 85 सीट हरियाणा में आ गई हो। अरे सर, आज तो चिंतन के मूड में बैठ जाइए। नहीं नहीं, वो पहले ही कह रहे हैं कि दोनों जगह रहे हैं, वो दोनों जगह सरकार बना रहे हैं, एके मिश्रा कह रहे हैं ना, तो साम दाम दंड भेद, यही तो राजनीति है। कोई भी बनाए, मैं बोलता हूँ
मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ सारी पार्टियों को मेरी तरफ से बधाई। मैं ये भी बोलता हूँ कि एक एक डब्बा मिठाई का पहुँचा दीजिएगा दीपावली, तो उसके अनुरूप कार्यवाही भी होगी। नहीं 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 गुलरेज शेख, मेरा सवाल रामपुर की सीट पर था। रामपुर की सीट पर इसलिए सवाल था सर क्योंकि बीजेपी ने तमाम कोशिश कर ली। शिकन नहीं है सर उत्तर प्रदेश, नहीं सवाल तो उठेंगे गुलरेज शेख क्योंकि रामपुर की सीट के लिए आपने क्या नहीं किया। ये आजम खान पर जितने आरोप लगे और जितने केसेस आजम खान पर आए, वो कहना था आजम खान का कि 22 किलो वजन जो है इतनी खुशी का पहाड़ टूटा है कि 22 किलो वजन कम हो गया। तो मेरा कहना है कि एक ही दिन में लगता है आजम खान का 22 किलो वजन कहीं बढ़ ना जाए। आशा जी इसका ध्यान रखना होगा। देखिए मैं बोलता हूँ तो ये चिल्लाना शुरू कर देते हैं, नहीं, 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 आदत नहीं है क्योंकि ये चिल्लाते ही रहते हैं। देखिए जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो हमने 3 करोड़ किसानों के लिए समाजवादी किसान सर्विस दुर्घटना बीमा चलाई, हमने 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन दी। दुनिया में 200 कंट्री है, 200 कंट्री के आसपास। मैं जीते हुए अपने सभी प्रत्याशियों को हृदय से बधाई देता हूं और मेरा विश्वास है कि उनकी ये जीत उन्हें जन विश्वास का प्रतीक भी बनाएगी। उनकी सक्रिय भूमिका प्रदेश के विकास और प्रगति में उनकी महती भूमिका होगी। इस विश्वास के साथ मैं उपचुनाव में विधानसभा की विभिन्न सीटों पर विजयी जितने भी हमारे नवनिर्वाचित प्रत्याशी जो जनप्रतिनिधि बने हैं इन सभी को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि बधाई दे रहे थे जो भी प्रत्याशी जीते हैं उन्हें, लेकिन एक चिंता नजर आ रही थी यहां चेहरे पर। ये एक सवाल जरूर उठता है कि जब भी उपचुनाव हो चाहे कुछ हो, अगर सरकार आपकी है तो सवाल आपसे उठते हैं कि अगर सीटें हारें तो सरकार की कहीं ना कहीं फेल्योर। एके मिश्रा जी, इससे आप इत्तेफाक रखते हैं कि कहीं ना कहीं पिछली बार भी अगर मैं ले जाऊं कि पिछली बार जो उपचुनाव हुआ था उसमें भी योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठ गए थे और उसके बाद हमने देखा था लोकसभा में कैसे बढ़ चढ़कर योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार किया था। लाजमी है जब जीत हो रही है और जीत का क्रेडिट आप ले रहे हैं या आपको दिया जा रहा है तो हार का क्रेडिट किसे दिया जाएगा? आप मुझे बताइए, विपक्षी पार्टियों को देंगे क्या कि उनके कारण हारे या उनके कारण नहीं? तो क्या क्या वजह लगते हैं यूपी में जिस तरह से देखे कि पिछले दिनों जितने बीजेपी के लीडर्स पर जिस तरह से आरोप लगे, कुलदीप सिंह सेंगर हो, नहीं नहीं यूपी के ये जो बाई इलेक्शंस के इसके जो रिजल्ट आ रहे हैं ना, जैसे बीजेपी 7 पे दिखा रही है और अदर्स पे आप देखिए 7 में सर अपना दल भी है। सुनिए LI है तो आप उसको मान के चलिए, मैं इसको कोई बहुत डिसीजन नहीं मानता हूं। सपा बसपा को मैं ये बोलूंगा आप जीत रहे हैं तो आप इसको बेस बना करके आगे के लिए मत रणनीति बनाइएगा। कराना वगैरह में भी यही हुआ था क्योंकि ये बड़ा इंडिविजुअलाइज्ड टाइप का होता है, यहां ना कोई पार्टी का बहुत बड़ा नेता जाता है ना कोई भी पार्टी पूरे अच्छे तरीके से इफर्ट भी नहीं डालती, बड़ा नेचुरल जो है ये होता है इलेक्शन का जो एक प्रकार होता है। तो ये ठीक है, हार गए जीत गए, यहाँ पे भी बीजेपी LIs आगे हैं, इसके बेसिस पे आगे आप खुश हो सकते हैं, आपके अंदर ऊर्जा का प्रवाह होगा, लेकिन स्टेट और नेशनल लेवल का इलेक्शन वो गलती मत आप दोहराइएगा जो आप लोगों ने पहले दोहराया था। तो इसको तो मैं कंसीडर ही नहीं करता हूँ, जो जीत गए उनके लिए बधाई, जो हार गए वो अपना अच्छा कोशिश करें। सवाल यहाँ पे ये है कि जो ये अब की बार जो इलेक्शन हुए हैं, क्वेश्चन ये है इतनी बड़ी मशीनरी बीजेपी की थी, इतनी दक्ष टीम थी, PM से लेकर के वहां पे बूथ मैनेजर तक BM तक सारे लोग लगे थे और सारे TV चैनलों के एग्जिट पोल भी आ रहे थे 70-72-75। मैं बोल रहा हूँ बीजेपी 70-75 नहीं, अगर 50-52-55 सीट भी लाती ना तब भी मैं इसको बोलता बीजेपी के लिए जीत करके हार गए आप। बीजेपी की लड़ाई खुद अपने स्टेटस को मेंटेन करने की है, 48 या 50 सीट जो पहले थी आप उसी को मेंटेन कर ले, उसके ऊपर जितना भी रहेगा। देखिए सरकार चाहे एक सीट से जीते या एक वोट से जीते तो बेनिफिट तो सारा का सारा मिलेगा, आप गोवा वगैरह में देख लीजिए, लेकिन ये दिखाता ये है कि बीजेपी की मशीनरी फेल हो रही है। फेल क्यों हो रही है? क्योंकि जो इनका अभी तक का एजेंडा था, जो मुद्दे या जो रणनीति थी शायद वो घिस चुकी है, वो पुरानी हो चुकी है, इसी के कारण ये दोनों उसमें आया है, दोनों जगह जो आया है। अब बीजेपी करेगी क्या? चिंतन की जगह चिंता करेगी और आगे आप देखेंगे बीजेपी के एजेंडा में, रणनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आप देखेंगे, आप एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे। आप थोड़े दिन रुक जाइए, उसके बाद ये देखेंगे यहाँ सरकारें वगैरह जिसकी बननी है बन जाए, एक बहुत बड़ा चेंज आएगा और अब ये बीजेपी को भी समझ में आ गया है।
क्या कहते हैं गुलरेज शेख, बार बार यही बात उठ रही है सर कि बीजेपी को सोचने की जरूरत है, थोप नहीं सकते हैं आप अपनी स्ट्रेटजी। जनता जो है अब इतनी जागरूक है, वो समझ सकती है कि उनके मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं, अब जो है ना पूरी तरह से सोच विचार करके कि कहां क्या गलती हुई, क्योंकि बहुत सारे गणित जो है वो आप लोगों ने लगा लिए थे उसके बाद ये स्थिति है। अब तो उद्धव ठाकरे आंखें दिखा रहे हैं। देखिए श्वेता, मैंने अपनी बात प्रारंभ ही किया था कि हम चिंतन भी करेंगे, मंथन भी करेंगे, और जो निखर के सामने आएगा उसको संगठनात्मक रूप से हम उसका क्रियान्वयन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक कंटिन्यूअस इवॉल्विंग पार्टी है, हम कोई स्टेगनेंट वाटर नहीं है, रुका हुआ पानी कि जो होगा जब ठीक है, जीत गए तो जीत गए, हार गए तो हार गए। प्रत्येक चीज पर हम चिंतन करते हैं और अपने अपनी कार्यशैली में सुधार लाते हैं। मैं एक उदाहरण दूंगा आपको, आपने देखा कि दिसंबर 2018 में तीन प्रांत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान हमारे हाथ से निकलते हैं, उसके बाद हमने अपनी कार्यशैली में सुधार किया और इन तीनों प्रांतों को जोड़ ले तो केवल एक सीट आई थी कांग्रेस, दो सीटें आती कांग्रेस को लोकसभा में। तो भारतीय जनता पार्टी तो कंटिन्यूस इवॉल्विंग पार्टी है, सब चिंतन होगा, चिंतन के बाद मंथन होगा, जो निखर के लोकसभा से जोड़ दिया, फिर से विधानसभा। जितेंद्र चौधरी जवाब देना चाहते हैं। 2014-2019 में जो चुनाव हुए थे, सबसे बड़ा मुद्दा क्या, ये हारे क्यों, मैं बता देता हूँ। जो इन्होंने रोजगार के लिए कहा था 2 करोड़ के लिए, जो 15-15 लाख रुपए के लिए कहा था, जो राम मंदिर का इन्होंने लोगों से झूठा वादा किया, जो इन लोगों ने आरबीआई से 1,30,00,000 लिखा था, आप पब्लिक जानती है, ये डिनाई करते रहे, जो ये सारे मुद्दे आप जो गिनवा रहे हैं ये सबको पता है, लेकिन मेरा सवाल तो सर बीजेपी की स्ट्रेटजी हो सकती है। जितेंद्र चौधरी, एके मिश्रा ने जो बात बोली आपने उस पर गौर नहीं फरमाया, आपने उस पर गौर नहीं फरमाया। एके मिश्रा ने ये बात बोली कि अगर ये चीज आप लोग भाप लिए होते तो हरियाणा की तस्वीर अलग होती, जेजेपी के हाथ में चाबी नहीं होती, शायद कांग्रेस ने मेहनत कर दी होती तो और अच्छे से रिजल्ट आ सकते थे। आप खुद मान रहे आपने मेहनत नहीं की। सर मैं ये कह रहा हूँ थोड़ी बहुत कमी रहेगी, पार्टी सभी मेहनत करते, हारने के लिए कोई मेहनत नहीं करता, कोई सोचने लगे हम हारेंगे तभी होगी। आपने बोला ना सर कि हमारे टॉप लीडर्स गए ही नहीं, ये मेरे वर्ड्स नहीं है सर, आपने खुद कहा, बीजेपी भी तो आपने खुद कहा कि 250+ कमी कहां है, 70+ थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है, उनकी तो सरकार है, वो तो कहेंगे, लेकिन तो फायदा ही हुआ है, नुकसान हुआ बीजेपी का। अभी भी देखिए, अभी भी आपको ऑफर करना पड़ रहा है, अभी भी आपको ऑफर करना पड़ रहा है, आप यूपी में सर, यूपी के सत्ता से आप कई सालों से दूर हैं। आप एक मिनट, आप मुझे जो कांग्रेस के मित्र अभी तक जो देखिए 100% भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, हम जादुई आंकड़े तक पहुंच भी जाएंगे, अभी नतीजे आने बाकी हैं, लगभग आसपास हम पहुंच चुके हैं। प्रयास लगाए जा रहे हैं, देखिए हमारे जब अकेले की बन रही है तो फिर हमें पूरा विश्वास है, जो हमारा इंटरनल रिपोर्ट आ रही है, इंटरनल फीडबैक है कि हमारी मेजोरिटी आएगी। हमारी मेजोरिटी आएगी, एके मिश्रा जी आप कह रहे थे, ये देखिए एक तरफ बीजेपी का स्टैंड देखिए कि उनकी मेजोरिटी नहीं भी दिख रही है, कॉन्फिडेंट है, और ऐसे ही गुलरेज शेख भी, उनके चेहरे पे भी शिकन नजर नहीं आई है, मतलब जो जोड़ तोड़ मरोड़ की राजनीति करनी है वो तो अब कर लिया जाएगा। लेकिन यहां सर एक सवाल ये उठता है कि अगर जनता पक चुकी है, इन 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 झूठे वादों के साथ नहीं जाना चाहती, जितने तमाम जो चीजें हैं गिनवा रहे हैं यहाँ जितेंद्र जी बैठकर, लेकिन ये मुद्दे क्यों विपक्ष नहीं उठा पाता है जब चुनाव में जाते हैं, क्यों खुद सर आप खुद कह रहे हैं कि हमारा कोई टॉप लीडर ज्यादा वहां जाकर नहीं, आपने आपने ये बात कही, केवल उठाना ही सफिशिएंट नहीं होता है सर, मुकाम तक पहुंचाना, उत्तर प्रदेश में अगर ये आगे घटा हुई उठाया, मतलब आपने मुकाम तक क्या नहीं पहुंचाया, क्या हुई, क्या हुई, क्या चीजें हुई, यूपी में क्या उखाड़ लिया सर, यूपी में क्या उखाड़ लिया। एके मिश्रा जी ये बार बार कह रहे हैं, एक ही लीडर अभी नजर आ रही है, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी तो छोड़ गए, राहुल गांधी ने छोड़ दिया, और उसके बाद सर बीच में भी तो छोड़ के स्टार प्रचारकों की जिस दिन सूची जारी हुई उस दिन आपके राहुल गांधी निकल गए, उस दिन आपके राहुल गांधी निकल गए, नहीं नहीं, प्रियंका गांधी को संगठन मजबूत करने के लिए पैसा बावजूद उसके उपचुनाव में क्यों ले रही है, कि विपक्ष की कमजोरी यह है, यह क्रिटिकल अप्रोच है कि कांग्रेस मेहनत कर रही है खुद चुनाव जीतने या सरकार बनाने के लिए नहीं, दूसरों के लिए मेहनत कर रही है। कर्नाटक में इन्होंने यही किया,
जीतते ही तुरंत दूसरों को बिना किसी शर्त के समर्थन दे दिया। यही हरियाणा में कर रहे हैं, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है हल्के होते और इन्होंने समर्थन दे दिया कि आप मुख्यमंत्री बनिए। तो आप काम अपने लिए कर रहे हैं, अपने जीतने के लिए, अपने सरकार। अगर आप यही सोच के चलेंगे कि जी सरकार हमें नहीं बनानी है, हमें तो समर्थन देना है, हम दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, तो बात दूसरी है। सर 50 सीटें तो आप भी ला सकते थे अगर अच्छे से काम करते, आपने सीरियसली लिया नहीं। नहीं देखो ऐसा है, आप जैसा परोसोगे और खिलाने को दोगे नहीं पब्लिक को, तो सोचा बड़ा अच्छा खाना है, पब्लिक के सामने झूठ बोलोगे पब्लिक तो बहकावे में आती है। ये लोग अब तक कर ही क्या रहे हैं 6 साल से, इन्होंने तो काम नहीं है ना क्या? यही यही बात, यही तो मुद्दा है सर, यही तो मुद्दा है जितेंद्र चौधरी, यही मुद्दा है। आपको इनकैश करना है, करना चाहिए आपको। आप नहीं, आप जितेंद्र जी बोल रहे हैं कि हमने यूपी में काम किया। अब यहाँ संजीव कौशिक और एके मिश्रा दोनों बैठे हैं, दोनों से मैं एक एक करके रिएक्शन चाहूंगी कि संजीव कौशिक ये कह रहे जितेंद्र जी हमने यूपी में काम किया, प्रियंका गांधी जिस तरीके से एक एक मुद्दे को उठाया, एक डिप्टी सीएम जो है वो बोल देते हैं ट्विटर वाली नेता है प्रियंका गांधी, और उपचुनाव में कहीं ना कहीं झलक दिख जानी चाहिए थी। एक टाइम था जब आगे चल रही थी कांग्रेस एक सीट पर, तो मैंने बोला शायद ऑक्सीजन मिल गया कांग्रेस को, लेकिन वो भी नहीं। तो यहां क्या इन्हें सोचने की जरूरत नहीं है कि जब यूपी की जनता बिल्कुल त्रस्त है, चाहे वो सपा हो बसपा हो और बीजेपी की सरकार भी देख ली, तो आपके पास तो ग्राउंड है, आप बिल्कुल मेहनत कीजिए ग्राउंड लेवल पर, शायद जनता आपको चुन ले। देखिए कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि नेतृत्व की कमी है अभी भी, मैं खुल के कह रहा हूँ इस चीज़ को। हालांकि कई मौक़ों पर कांग्रेस की तरफ से या कांग्रेस के लिए हम बातचीत करते हैं, हमें लगता है कि आज नहीं तो कल कांग्रेस फिर वापस आएगी, लेकिन अभी जिस तरह की बात है, जो भी उनके नेतृत्व शीर्ष नेतृत्व की बात है, वो यदि पार्ट टाइमर यदि नेता बनेंगे तो फिर कांग्रेस की हालात यही रहेगी। उन्हें फुल टाइमर यदि राजनीति करनी है तब वो आएं और फुल टाइमर राजनीति करें, मुझे लगता है उसके बाद में कुछ सुधार आने की गुंजाइश है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपको एग्जाम में पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए 100 में से, आप अगर 32 नंबर भी लाए ना उसका कोई मतलब नहीं है, आपका एक साल बर्बाद गया, पैसा बर्बाद गया, सब कुछ गया। यही हालत विपक्ष के पास हो रही है, हो ये रही है। आप काम तो कर रहे हो लेकिन उस मिनिमम लेवल तक पहुंचाने वाला काम क्यों नहीं कर रहे हो? आप वहां पे क्या केवल लिपापोती करने गए हैं दिखाने के लिए कि जी चलो 2-4 मीटिंग कर ली और टीवी डिबेट में बोल दिया हमारी जान छूट गई जी हमने तो काम किया? तो सर राजनीति ऐसे नहीं चलेगी, 1-to-1 फाइट होती है, मल्टी एंगुलर फाइट होती है, 24x7 आवर और 360 डे आपको काम करना पड़ेगा, तब जाकर के कुछ परिवर्तन की उम्मीद करिए। अदरवाइज आप सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होते हुए भी सरकार दूसरों की बनाएंगे, मेहनत आप करेंगे, मजा कोई और। मिश्रा जी यहां सवाल एक और है, क्योंकि अगर हम देखें यूपी में तो जिस तरीके से और लोकसभा चुनाव के पहले जो एक माहौल तैयार हुआ था, एक तरफ महागठबंधन की तस्वीर बन रही थी, लेकिन उस महागठबंधन में ही कई उस नाव में कई छेद देखने को मिले, लग रहा था कौन लीडर होगा, क्या शायद महागठबंधन कुछ कर जाए, और सबसे मतलब मुझे आश्चर्य भी हुआ था, लेकिन राजनीति में सब संभव है, तो बसपा और सपा ये दो साथ में आ गए दल। और मायावती की वो स्पीच मुझे याद है जब उन्होंने कहा था कि हमने गेस्ट हाउस कांड भुला दिया जनता के लिए, जनता ने नकारा, लोकसभा चुनाव नहीं हुआ कि तुरंत आपने गठबंधन तोड़ लिया और आप उपचुनाव में आपने अपनी अपनी सीटों पर खड़ा कर दिया, फिर कैसे जनता के पास कौन से मुंह से जाएंगे? धर्मवीर चौधरी जरा बता दीजिए किस मुंह से जाएंगे? क्या है ये जो देश में फिरकाप्रस्त ताकतें गया है, ये जो देश में फिरकाप्रस्त ताकतें जब जब उठती हैं, ना तो ये संविधान को मानती हैं और ना देश के कानून को मानती हैं और ना ये भाईचारे को मानती हैं। एके मिश्रा जी कैसे देखते हैं? हालांकि बात यही चल रही थी कि लार्जेस्ट पार्टी तो बीजेपी है, अगर ये मुलाकात हो रही है तो मुलाकात के मायने क्या निकाले जाए? जोड़ के देखा जा रहा है कि इस्तीफा दे सकते हैं। सबसे ज्यादा इंडिविजुअल अगर व्यक्तिगत किसी को नुकसान हुआ है इन दोनों स्टेट में, तो दोनों स्टेट के वर्तमान मुख्यमंत्री उधर फडणवीस जी है, देवेंद्र फडणवीस जी, और इधर मनोहर लाल खट्टर। क्यों इन केंद्रीय नेतृत्व को कोई इससे फर्क नहीं पड़ने वाला? सर सुन लीजिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, इमीडिएट पॉइंट नंबर वन आपके सवाल का, इनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी गई, कौन से केंद्रीय मंत्री की कुर्सी कौन रिजाइन दे रहा है बताइए जरा। अरे रिजाइन देने की बात नहीं है, जिसके चेहरे तो सुनिए ना, अरे सुनिए, सबसे पहले सर सुनिए, सबसे पहला नुकसान कितने तरीके का होता है वो, सबसे पहला और डायरेक्ट नुकसान मुझे ये लग रहा है कि जो ये लोग इस्तीफा दे रहे हैं, मल्टीलेयर नुकसान होता है, नुकसान केवल केंद्रीय मंत्री नहीं, नुकसान तो इनका अगर एक एक बूथ मैनेजर या इनका एक समर्थक भी देश में कहीं होगा तो छोटा बहुत नुकसान उसको भी हुआ है कि हाँ भाई वो उसका मोराल डाउन होगा, नुकसान और तो कांग्रेस को भी हुआ है। बात को मन मशहूर करा गए होंगे कि 56 वोट की थाली सामने लगी है और उसमें से एक
सामना हम नहीं कर पाए। आप घुमा रहे हैं बात को, आप बात को घुमा रहे हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की बात कर रहा हूँ, जिनके चेहरे पर ये चुनाव लड़ा गया था, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। करने के बाद में आप कौन से आप अपने मुंह को टाल रहे हैं मुख्यमंत्री, और वहां पर आप पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात कर रहे थे, बता रहा हूँ की बात कर रहे थे। मैं बता रहा हूँ कहाँ मुझे पाएंगे आपका, मैं बता रहा हूँ पचहत्तर आपको पब्लिक ने आईना दिखा दिया, अरे सुन लीजिए, आपको पब्लिक ने आईना दिखा दिया, सुन लो ना कहाँ मुझे पाएंगे आप दोनों को, मैं बता रहा हूँ बार की बात कर रहे थे दोनों को, मैं बता रहा हूँ पचहत्तर बार कहाँ, मैं बता रहा हूँ वहाँ पर 12,000 किसानों ने आत्महत्या की बात की है। सुन लीजिए कहाँ छुपाएंगे, मैं फिर बोलता हूँ बकवास कर रहे हैं आप बैठ करके यहाँ पे, अरे बात क्या सुन लीजिए, क्या बात सुना आपकी, आप जो बोल रहा हूँ वो सुनिए ना, कहने के लिए कोई मौका ही नहीं है। अरे सुनिए ये वही पे मुंह दिखाएंगे, चिप लगा रहे, जब बसपा साफ हो गई थी तो जहाँ मायावती जी ने पी के लोग, जहाँ अखिलेश यादव ने, जहाँ राहुल गांधी जी ने, तो दिखाया ये वही पे मुंह दिखाएंगे। चलिए तो धर्मवीर धर्मवीर जी चलिए आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, एके मिश्रा जी यूपी से ही सवाल ले लेते हैं सर, आप जरा वो तो बताओ जहां आप क्या हुआ, धर्मवीर जी मेरा सवाल है, एक सीट नहीं आपकी आ रही है। 2019 के चुनाव में भी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने 10 सीटों पर विजय प्राप्त किया है, अरे सर मायावती बन गई, अरे सर प्रधानमंत्री धर्मवीर जी मेरा कहना ये है कि एक बीजेपी को विपक्ष की यही एक मिनट मैं सवाल, धर्मवीर जी मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए सर, धर्मवीर जी मैं सवाल पूछ लूं, मैं सवाल पूछ लूं, गठबंधन कहां गया, इतना महागठबंधन जो बना रहे थे वो कहां गया सर, आपकी लीडर जो ये कहती हैं कि हम गेस्ट हाउस कांड भुलाकर हम सपा के साथ जा रहे हैं और इलेक्शन होने के बाद वो हार मानती है और खुद गठबंधन कहती है हम अकेले लड़ते तो ज्यादा फायदेमंद होता, ये बात कही थी ना मायावती ने, ये बात कही थी ना कि शायद हम अकेले लड़ते तो ज्यादा फायदा होता, ये याद दिला रहे हैं ना गेस्ट हाउस का, इन्होंने ही याद दिलाया तभी गठबंधन, अरे बोल लेने दीजिए, मिश्रा जी का जरा भौंप बंद करा दीजिए, क्या हुआ, अरे आप बोलेंगे आपको लगता है दूसरों को भोग सर क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं सर, सारी मुझे अपनी आवाज उठानी पड़ती है सर, प्लीज प्लीज धर्मवीर जी, फिर ये शब्द नहीं होते सर, ये शब्द नहीं होते, आप इस तरह से शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये शब्द नहीं होते सर, धर्मवीर जी चलिए कंटिन्यू, एके मिश्रा जी नहीं मैं अलाउ नहीं करूंगी प्लीज सर, धर्मवीर जी एके मिश्रा जी मेरी बात सुनेंगे, ये डिबेट किस दिशा में ले जा रहे हैं, एके मिश्रा जी ये अपने नंबर पर बोल रहे ना, धर्मवीर जी मेरा सवाल आपसे है ना, मेरा सवाल एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी की हताश आपकी डिबेट में भी दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग जो समर्थक है वो कितने हताश हो चुके हैं, इस तरीके से मैं डिबेट आगे नहीं ले जा पाऊंगी, माफ कीजिएगा सरकार चौधरी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन पहले मेरा सवाल आपसे है धर्मवीर जी, आप मेरे सवाल का जवाब देंगे, धर्मवीर जी एक मिनट, एक मिश्रा जी अरे 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 हो गया सर मेरा काम मुझे कर लेने दीजिए, एक मिनट मतलब सवाल मैं पूछूं या तो नहीं, अरे के मिश्रा जी एक मिनट सुन लीजिए, हो गया पहली बात तो ऐसे शब्दों का चयन ना करें, क्योंकि जनता जो देख रही है ना सर बहुत हंसती है वाकई में, अगर मैं भी इस तरह के डिबेट शोज देखती हूँ ना तो कहती क्या बात हो रही है शब्दों, नहीं एक मिनट धर्मवीर जी प्लीज भोपू का शब्द किसी ने नहीं बोला था, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि लोकसभा में जिस तरह से महागठबंधन सिर्फ एक पार्टी को रोकने के लिए आप लोगों ने बनाया था और कांग्रेस को भी बुला रहे थे, कांग्रेस हालांकि आखिरी तक आई नहीं, और ये जो गठबंधन
था दोनों लोगों का वो तुरंत टूट गया और आपकी ही लीडर ने कहा कि हम अकेले जाते तो ज्यादा अच्छा होता, तो ये जनता को दिख नहीं रहा है क्यों ग्राउंड लेवल पे काम नहीं होते, क्यों जरूरत अन पड़ी सपा से हाथ मिलाने की? देखिए श्वेता जी, जब जब बीजेपी के लोग देश का झंडा जलाने वाली पार्टी की गोद में जाके बैठ जाएंगे जम्मू कश्मीर में और इस फिरका प्रस्ताकते हैं इस देश में भाईचारे को नष्ट और भ्रष्ट करना चाहेंगी, तब बाबा साहब के संविधान की शपथ लेने वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी इन देश में मनुवादियों को हराने के लिए अगर उतार लेगी, कमेरे मजदूर किसान ओबीसी माइनोरिटीज के लोगों को लेकर किसान चलेंगे इसीलिए भूल गए, इसीलिए वो कांड भूल गए, इसीलिए वो कांड भूल गए, इसीलिए वो कांड भूल गए सर, सर इसीलिए वो कांड भूल गए, वो स्टेटमेंट भूल गए, वो स्टेटमेंट भूल गए जो सब नहीं नहीं सर नहीं आपको सेकंड दूंगी लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप सेकंड, तो आप सर भूल क्यों गए, आप वो गेस्ट कांड भूल गए, इतनी बड़ी बात हो गई थी, इतनी बड़ी बात वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लास्ट था, मैं लोकसभा का वोट फिर से पता नहीं कौन सी गोली खाई दूसरे इलेक्शन के बाद वो कांड फिर से याद आ गया, वो कैराना का इलेक्शन। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जी और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और उनको भी शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद नमस्कार। चलिए धर्मवीर जी प्लीज सवाल का जवाब दीजिएगा, बोलिए, क्योंकि सवाल ये उठता है सर कि एक बार आप बोलते हैं कि गेस्ट कांड भूल गए तो भूल गए ना गेस्ट हाउस कांड, फिर तो गठबंधन रहना चाहिए था, जैसे फेवर में नहीं आया तो आपका कहना है कि हमने गलत डिसीजन ले लिया, हमें जाना नहीं चाहिए था। श्वेता जी 16 सीटें हम लोगों ने जीती, 5 सीटें समाजवादी पार्टी ने गठबंधन से ही तो जीत करके आए, कांग्रेस तो थी नहीं सर, कांग्रेस का नाम हमने उनको एक सीट छोड़ी दी उनके लिए, गठबंधन से ही तो जीत करके आए, कांग्रेस तो थी नहीं सर, कांग्रेस का नाम हमने उनको एक सीट छोड़ी दी उनके लिए, अरे सर 80 सीटों से जबरदस्ती कांग्रेस को सीट छोड़ी, दो सीटें छोड़ी, आपने आपने नहीं उतारा कांग्रेस का क्या प्रधानमंत्री का पद ही बदल दिया, जनता ना कंफ्यूज हो रही है, ये जो पता है ये बात आपको चुनाव के पहले अगर आप ये चीजें देखते, ये जो 10 सीट आप सही बोली मायावती चुनाव के बाद कि शायद हम अकेले लड़ते तो ज्यादा आता, जब यादवों के नहीं ये चीजें आप नहीं समझ पा रहे हैं और इनका फायदा बीजेपी उठा रही है, लेकिन अब बीजेपी को भी फायदा नहीं मिल रहा है, बीजेपी को भी फायदा मिलता नहीं नजर आ रहा है, एक्सपेरिमेंट होता है श्वेता जी, अगर वो कामयाब नहीं हुआ तो ऐसा कैसे एक्सपेरिमेंट सर, ऐसा कैसे एक्सपेरिमेंट चुनाव तक रहा और चुनाव के बाद हुआ भतीजावाद, हुआ भतीजावाद का गठबंधन, हुआ भतीजावाद का गठबंधन, क्या बात करते हैं अर्शद आप, आज के रिजल्ट से संबंधित एक सवाल करने हम अखिलेश भाई से, आज के इस्तीफा क्यों देता है, यहाँ क्वेश्चन था, तो भाई पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी जी ने इस्तीफा दिया अध्यक्षों से, मैं कौन सा कह रहा हूँ धर्म को इस्तीफा दे बीजेपी दे सकते मानवता के आधार पर, एक भाई से एक सवाल हम करने आज के जहाँ तक बात बीजेपी की है तो बीजेपी जुमलेबाजों की पार्टी नहीं, नहीं बात आपकी है सर, बीजेपी की आप आज बात मत कीजिए, बीजेपी की बात है, नहीं नहीं आज आज बीजेपी की बात इसलिए नहीं नहीं आज बीजेपी सुन लीजिए सर, अरे मेरा सवाल सुन लीजिए, आप जब सपा से हैं तो आप बीजेपी के बारे में मत ये पूछिए, सवाल मेरे से, पूरी जनता को विपक्ष से बड़ी उम्मीद थी, क्यों नहीं परफॉर्म किया पूरा, क्यों पूरा देश की जनता को इन्होंने निराश कर दिया, क्यों ये किसी बार जो है उस लक्ष्य को नहीं पा पाते, क्यों ये हर बार पीछे रह जाते हैं, मिश्रा जी विपक्ष हिंदू मुसलमान नहीं करता, विपक्ष मंदिर मस्जिद नहीं करता, विपक्ष कब्रिस्तान शमशान नहीं करता, इसलिए अरे बकार जी, अरे बकार जी आप जीत क्यों नहीं रहे, अरे बकार जी बकार जी जेल में क्यों डाल रहे हैं, हरियाणा की जनता बस 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 एक मिनट नहीं नहीं एक मिनट ये जो तमाम सपा बसपा और बकार जी अब आप भी हैं, आपको भी इन्वॉल्व कर लेती हूँ, एक मिनट वकार जी और ये तीन जो लीडर बैठे इन्हीं से मेरा सवाल है कि सर बीजेपी अपनी स्ट्रेटजी में फेल होती नजर आ रही है, राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाया, हमने भी पूछा कि राज्यों में चुनाव में मुद्दे गायब है, लेकिन आप लोगों का फेल्योर दिख रहा है कि जहां आपके पास सीटें जीतने का आपके पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि जनता के पास हम ये ले जाएंगे, आप आ सकते थे हरियाणा में भी, आप नहीं आए, सपा बसपा वो रोल नहीं निभा पाई, सपा बसपा वो रोल नहीं निभा पाई, और आपकी बात कर ले वकार जी, आप विपक्ष में कांग्रेस के साथ नहीं जाइए, आप तो गठबंधन करने के लिए खोजते हैं, कांग्रेस वाले हाथ नहीं मिलाते तो कहते हैं कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा, ये
जनता को कंफ्यूज मत कीजिए सर, जनता को कंफ्यूज मत कीजिए, ऐसे ही हम लोकसभा का सिनेरियो अलग था बिल्कुल, और जनता जनार्दन के लिए हम वाकई में चाहते थे कि गठबंधन हो जाए, इससे हम कोई दोराज नहीं, हम पीछे नहीं हट रहे हैं कि हम गठबंधन नहीं करना चाहते थे, चूंकि लोकसभा का बिल्कुल सिनेरियो अलग था। अब आती है विधानसभा की बात, देखिए हरियाणा में हमारी पार्टी नई नवेली पार्टी है, उसके बावजूद बहुत अच्छा लगे जेजेपी कितनी पुरानी जी, जेजेपी को बधाई है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया, क्योंकि हरियाणा के युवाओं ने, हरियाणा के युवाओं ने एक मत होकर जेजेपी दुष्यंत चौटाला को वोट की, बीजेपी लेवल को पे विपक्ष जो है वो भी फेल हो रही है, क्योंकि विपक्ष के पास सवाल यही था कि सर कांग्रेस और बीजेपी जिस लेवल पे राजनीति करती है, कांग्रेस आज कांग्रेस में जो बिखराव है, कांग्रेस हरियाणा में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती थी, ये जो संजीव कौशिक जी ने बोला ये जो फूट है यही कांग्रेस यहाँ पर उन चीजों को नहीं मैनेज कर पाई, और अगर इसका... मैं समझता हूं कि प्रकरण नहीं होता तो कांग्रेस वाकई में परफॉर्मेंस अच्छा करता, तो फिर उसके लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है, और कांग्रेस ने वाकई में जो उसको निभाना चाहिए था एक विपक्ष का दर्जा, वो नहीं निभाया, विपक्ष को भी ना अपनी भूमिका निभानी चाहिए जी बिल्कुल, इस मामले में हम जनता में तो हम भी है ना, आप अपने आप को देश की जनता में नहीं मानते, और रही बात ये कि आप जो राष्ट्रवाद का मुद्दा था युवा समझदार है, और खासतौर से दिल्ली एनसीआर का जो मतदाता वो बहुत समझदार है, और उसने दिखा दिया भारतीय जनता पार्टी को, क्या बल्लेबाजी की सरकार नहीं चलने वाली है। इलेक्शन में भी देख लेते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना पड़ रहा है, लेकिन ये जिस तरीके से जो नतीजे सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से हरियाणा और महाराष्ट्र अगर हम देख ले विधानसभा में, तो यहाँ बीजेपी को अगर चिंतन और चिंता करने की जरूरत है, तो तमाम विपक्षी पार्टियों को अगर उन्हें बढ़त भी मिली है तो ये सोचने की जरूरत है कि तस्वीर और अलग हो सकती थी, लेकिन उनमें कहाँ कमी रह गई, इसमें इस मुगालते में ना रहे कि बीजेपी को कम सीटें मिली तो हमारी कामयाबी, आप और कामयाब हो सकते थे सर, अब जो आने वाले इलेक्शन है उसके लिए काम कर ले ग्राउंड लेवल पे, जनता जिसे देना है वोट वो जरूर देगी। सभी तमाम जो गेस्ट मेरे साथ जुड़े, तमाम गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।